यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावश्चिदचित् समं भान्ति द्रोप्य व्ययच निलसन्तुन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। सवनी जी, उपस्थित भाइयों बहनों, हम एक ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं और उसी के अंतर्गत जो प्रश्न है, उत्तर है, उनका ही विवेचन इस प्रवचन के दौरान करते हैं। तो जैन आगमों की परंपरा में सबसे बड़ा आगम जिसे भगवती सूत्र कहा जाता है और उसका एक दूसरा नाम अगर देखा जाए तो एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म के जितने भी सिद्धांत हैं उनको अगर कहीं खोजना है किसी एक आगम के अंदर तो वो भगवती सूत्र है और इसी कारण से इसका नाम भगवती रखा गया। यानी बहुत विशाल का ग्रंथ है। हम पिछले प्रवचन के दौरान ये चर्चा कर रहे हैं कि आगम जो होते हैं उनमें भी साधु साध्वियों को भी कभी कभी किसी सिद्धांत को लेकर के शंका हो जाती है। तो वो शंका का कारण क्या बनता है? तो बहुत सारे कारण बन जाते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स भी जब आगमों का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कई बातों में उनको शंका पैदा हो जाती है। तो हम ये कुछ कारणों की हम चर्चा कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट विशेष नहीं करूंगी, पर आपके सामने ये पाठ है, मूल पाठ भगवती सूत्र का, जिसमें भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया है कि ये शंका, एकांक्षा, दूसरे विचारों के प्रति हमारा आकर्षण, ये सब क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो उन्होंने कारण बताए हैं, उसमें 13 मूल कारण है। तो 13 कारणों में पहला है ज्ञानांतर, जिसको कि हम चर्चा कर चुके हैं। ये 13 कारण है। अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आए तो मैंने पाठ जस्ट बताया है, परंतु पाठ के साथ में ये अंग्रेजी में है। ज्ञानांतर यानी ज्ञान, अनेक प्रकार के जब ज्ञानों की चर्चा सुनते हैं तो उनके स्वरूप पर जब विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो कभी कभी शंका हो जाती है। दर्शनानंतर, दर्शन के संदर्भ में, तो दर्शन को हम दो दृष्टि से समझते हैं। एक तो सम्यक दर्शन को भी दर्शन कहते हैं और दर्शन का मतलब जनरल नॉलेज, किसी चीज के बारे में हमें जो जनरल नॉलेज होता है उसको लेकर के भी हमारे मन में कुछ शंका हो सकती है। चारित्रांतर, चारित्रांतर के अंतर्गत जो है वो है कि साधु जीवन के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं और तीर्थंकर अपने समय में, अलग अलग तीर्थंकर अलग अलग प्रकार का नियम का प्रतिपादन करते हैं। तो विशेष रूप से ये बताया गया है कि जो चारित्र के 5 प्रकार माने जाते हैं उनमें कुछ चारित्र के नियम एक जैसे लगते हैं तो संदेह उसके कारण से भी पैदा होता है। लिंगांतर के विषय में, लिंगांतर का मतलब है कि जैन साधु साध्वियों की जो वेशभूषा है अलग अलग तीर्थंकरों के समय में, तो ये जनरली दिगंबर परंपरा ये मान करके चलती है कि साधु के जो है, जैन साधु विशेष रूप से जो मेल मॉन्क्स होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, किंतु तीर्थंकरों के समय में दोनों तरह के साधु थे, वस्त्र धारण करने वाले और निर्वस्त्र रहने वाले। तो जो वस्त्र धारण करते हैं उनमें भी अलग अलग तीर्थंकरों के समय में अलग अलग प्रकार की कभी कभी कलर होते हैं ड्रेस के, साधुओं के वेशभूषा अलग अलग कलर की होती है, तो वो कलर डिफरेंस क्यों है, ये सब चीजों को लेकर कोई प्रश्न कर सकता है। प्रवचनांतर, प्रवचन का मतलब है कि भगवान महावीर ने भी और अन्य तीर्थंकरों ने भी जो प्रवचन दिए हैं उनके सिद्धांतों में फर्क क्यों है। ये माना जाता है कि भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय जो प्रवचन किया गया है उसमें 5 महाव्रत साधु के लिए अनिवार्य माने गए हैं, जबकि बीच के जो तीर्थंकर होते हैं
दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक का जो समय है उसमें चार महाव्रती अनिवार्य माने गए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत की बात अलग से नहीं कही गई है। तो इसके कारण से लोगों में संदेह हो सकता है कि ये तीर्थंकर भगवान ऋषभ और भगवान महावीर ने पांच महाव्रतों की बात कही है, अन्य ने चार की बात कही है, तो ऐसा क्यों? सेम धर्म है, सेम रिलीजन है, सेम बातें हैं, फिर क्यों नियमों में फर्क है? तो उसका कारण ये था कि चार महाव्रत जब भगवान बीच के जो तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किए तो उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह का ही पार्ट मान करके किया था। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही था किंतु वो अपरिग्रह का ही हिस्सा था, उसी के अंतर्गत समाहित था, इसलिए अलग से उसको नहीं बताया। इसी तरह से प्रावचनिका अंतर, ये बहुत समझने जैसी बिंदु है। प्रावचनिका अंतर, प्रावचनिक यानी प्रवचन करने वाले व्यक्ति, आपके मायामी में कभी मैं प्रवचन करती हूँ, कभी दीपिका जी करते हैं, कभी महेंद्र भाई करते हैं, कभी कोई बाहर के स्कॉलर करते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उसी बात को कहते हैं किंतु अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो इसके कारण से जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले गीता जी हैं, वो दीपिका जी को भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, हिमप्रज्ञा जी को भी सुन रहे हैं, अन्य को भी सुन रहे हैं। उनके मन में ये हो सकता है कि दीपिका जी वही बात अलग तरीके से बता रहे हैं, समी जी अलग तरीके से बता रहे हैं, तो ये संदेह हो सकता है अलग अलग वक्ताओं को सुनने से। तो हम सब अपनी अपनी बैकग्राउंड से, मेरा फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, दीपिका जी का मेडिकल का बैकग्राउंड है सपोज, तो सब अपनी अपनी बैकग्राउंड के कारण से अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, परंतु हमें ये देखना है कि जो बात कही जा रही है वो सैद्धांतिक और सही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट करने में। तो प्रावचन का अंतर है, अलग अलग स्कॉलर से कोई बात सुनने से भी कभी कभी डाउट हो जाता है कि कुछ कुछ लोग कुछ किसी चीज पर एम्फोसिस करते हैं, कुछ लोग किसी और चीज पर एम्फोसिस करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कल्पांतर, कल्पांतर का मतलब क्या होता है कि तीर्थंकरों के समय में दो तरह के साधु होते हैं, एक होते हैं जलकल्प जिन्हें आज हम दिगंबर साधु कह सकते हैं, और एक होते हैं स्थविर कल्प जिन्हों श्वेतांबर साधु, ठीक है ना। जो वस्त्र धारण करते हैं वो स्थविर कल्प कहलाते हैं, और जो निर्वस्त्र रहते हैं उनको जिनकल्प कहते हैं। वो जिन्हें तीर्थंकर जिस तरह से निर्वस्त्र रहते हैं उसी तरह से जो साधु निर्वस्त्र रहने की साधना करना चाहता है उनको जिनकल्प की साधना कहते हैं। तो वो जिनकल्प की कुछ नियम अलग होते हैं और स्थविर कल्प के नियम कुछ अलग होते हैं। तो ये नियमों में अंतर जब देखते हैं तो जिनकल्प वाला ये समझ लेता है कि हम जो नियम फॉलो कर रहे हैं इसी से मोक्ष संभव है। स्थविर कल्पी जो साधु है वो ये सोचता है कि हमने जो नियम स्वीकार किए उससे भी मोक्ष हो सकता है। तो ओपिनियन मतलब चरित्र का भी जो है वो के बारे में दो तरह के विचारधारा है कि निर्वस्त्र रहना चाहिए कि वस्त्र पहनना चाहिए, ये दो तरह की चीजें हो सकती, विचार हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये दोनों तरह की साधना है और तीर्थंकरों ने दोनों ही मार्ग से मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया है। यानी कोई स्थविर कल्पी रहना चाहे, वस्त्र पहनना चाहे, तो उन्होंने नियम बनाया है कि कम से कम तीन ड्रेस से ज्यादा, यानी ज्यादा से ज्यादा तीन ड्रेस साधु रख सकता है परंतु उससे ज्यादा नहीं रख सकता। तो उन्होंने वस्त्र की एक सीमा जरूर निश्चित कर दी है, परंतु कोई निर्वस्त्र भी रहना चाहे तो उनकी तरफ से वो भी आज्ञा है कि निर्वस्त्र रह करके भी आप मोक्ष की मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो, और आवश्यक वस्त्र पहनते भी हो तो उससे भी मोक्ष मार्ग में कोई दिक्कत नहीं है, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकती हो। मूलतः राग द्वेष को जीतना है, वस्त्र पहनो या ना पहनो ये बड़ी बात नहीं है, मूल है राग द्वेष को जीतना है। अगर राग द्वेष आपका समाप्त हो गया तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इवन गृहस्थ वेश में भी कर सकते हैं। मरुदेवी माता वो गृहस्थ वेश में हाथी के होदे पर मोक्ष चली गई, तो मोक्ष की कंडीशन ये नहीं है कि आप वस्त्र पहनो या ना पहनो, ठीक है, जितना आप अपना संयम कर सकते हो उतना करते चले जाइए जिससे कि नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, बट ये नहीं है कि यही एक तरीका है मोक्ष जाने का। तो कल्पांतर, नेक्स्ट है मार्गांतर। मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग होता है कि आप जो
समाचारी होती है, मतलब परंपरा से, हम तेरा पंथ की परंपरा से जुड़े हुए हैं सपोज, तो तेरा पंथ में आचार्य भिक्षु ने जो नियम साधु साध्वियों के लिए बनाए हैं हम उन्हीं नियमों को पालन करते हैं, तो परंपरा से हमने जो मार्ग स्वीकार कर रखा है उससे भी मुक्ति हो सकती है। कभी कभी आचार्य की तेरा पंथ की अलग तरीका है, साधु साध्वियों के कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट दिखाई देते हैं, मूर्ति पूजक के अलग दिखाई देते हैं, दिगंबर के अलग दिखाई देते हैं, तो वो अपनी अपनी ट्रेडिशन, जिस जिस ट्रेडिशन से जो बिलोंग करेगा उस ट्रेडिशन में जो परंपरा से नियम चल रहे हैं उन्हीं को पालन करेंगे, तो इसलिए उनको देख करके तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनका अपना जो है, उनके आचार्य ने जो उचित सोचा वैसा नियम बना दिया, दूसरे परंपरा के आचार्यों ने जो उचित सोचा वैसा नियम बनाया, तो वो हर आचार्य जो है अपने समय में देखते हैं कि उनके परंपरा में किन नियमों की ज्यादा आवश्यकता है, है ना, किसका किस नियम पर ज्यादा एम्फेसिस करना जरूरी है, तो वो अपने अपने संघ की व्यवस्था के अनुरूप वो नियम बनाते हैं। तो उसमें भी हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये सब अपने अपने अलग अलग मेथड है। माया में आना चाहते हैं बहुत सारे लोग, किंतु सभी एक ही डायरेक्शन में तो नहीं रहते, कोई इंडिया से आ रहा है, कोई यूके से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी और कंट्री से आ रहा है, तो उसके फिर रूट भी अलग अलग होंगे, फ्लाइट्स भी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से अलग अलग ट्रेडिशन है तो उनमें अलग अलग तरीके से वो मेथड फॉलो किया जाता है या वो चीज़ फॉलो की जाती है, किंतु ये सब अलग अलग पथ हैं, पाथ है, कोई किस पाथ से चल करके उस डेस्टिनेशन सबका सेम है, किंतु पाथ उनके अलग अलग हो सकते हैं, समाचारी उनकी अलग अलग हो सकती है, नियमावली उनके अलग अलग हो सकते हैं, तौर तरीके उनके जो है साधु जीवन के पालन करने के तौर तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये मार्गांतर भी कारण बन सकता है। मतांतर जैसे कि विचारों में हम देखते हैं कि एक ही सिद्धांतों को लेकर के सभी परंपराओं में कुछ न कुछ मतांतर है, इसीलिए ये परंपराएं अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो मूर्ति पूजक परंपरा उसको उस बात को अहिंसा का पालन करने को किस सीमा तक उचित समझती है, कहाँ वो रिलैक्स करती है, और दूसरी परंपराएं कहाँ स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो दोनों सभी इस तरह से अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग आचार्यों की है कि अहिंसा का पालन करने का क्या नियम होना चाहिए, किस सीमा तक उसका पालन होना चाहिए, किस सीमा तक नहीं होना चाहिए। सो ये एक ही बात को लेकर कभी कभी अलग प्रकार के विचारधाराएं आती हैं, वो ही मूल संप्रदाय भेद का कारण बनते हैं, है ना। तो इन विचारों को देख करके भी कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए कि ठीक है कुछ जो विचार हैं वो सांप्रदायिकता के अभिनिवेश के कारण होते हैं, इन्हें मूर्ति पूजक ट्रेडिशन है अगर तो उनकी अपनी एक जो परंपरा चली आ रही है वो चाहते हैं उसी को कंटिन्यू रखा जाए, तो वो सिद्धांत को जानते हुए मानते हुए भी उस चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो इसलिए उनकी थोड़ा इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है, दिगंबर ट्रेडिशन का अपना अलग हो सकता है, क्योंकि वो जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसी ट्रेडिशन को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसमें किसी तरह का वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, जानते हैं कि जो श्वेतांबर परंपरा फॉलो कर रही वो भी उतना ही सत्य है, किंतु फिर भी उनका एम्फेसिस उसी पर रहेगा, तो ये मतांतर होते रहते हैं। और ये कभी नहीं होता है कि एक ही सभी लोग एक ही तरीके से सोचे, एक ही तरह कैसे चले, चाहे वो एक ही धर्म में विश्वास भले करते हो किंतु फिर भी उसमें उसको फॉलो करने के अपने अपने उनके तरीके हो सकते हैं, उनकी सोच में उस धर्म का कौन सा तत्व प्रमुख है वो तत्व को वो दृष्टि में रख करके अपनी बातें कहते हैं, तो इसलिए मतांतर को देख करके भी हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये होता है, क्योंकि सबके दिमाग एक जैसे हो नहीं सकते, एक लाइन में सोच नहीं सकते, एक ही तरीके से चीज को देख नहीं सकते, सबके देखने के अलग अलग एंगल होते हैं, तो इसी को अनेकांत दृष्टि कहते हैं, है ना। अनेकांत का मतलब क्या है कि एक ही सत्य को आप अलग अलग एंगल से देख सकते हो, परंतु हाँ जिस एंगल से भी आप देख रहे हो वो एंगल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ट्रुथ के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, या अपनी मनगढ़ंत मान्यता को आप सत्य पर आरोपित ना करें, सत्य जो है उसको समझने का आपका अलग अलग एंगल हो सकता है,
जैसे कि कहानी कही जाती है बातचीत में अनेकांत को समझाने के लिए कि एक पति और पत्नी के बीच में विवाद हो गया और विवाद इस कदर हो गया कि वो दोनों के बीच में बहुत झगड़ा बढ़ गया, इतना गहरा डिस्प्यूट हो गया कि पत्नी ने कहा कि अब तो मैं रह नहीं सकती तुम्हारे साथ, है ना, अब डिवोर्स की के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं, वी कैन नॉट कंटिन्यू इन दिस वे फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो पत्नी बहुत ही नाराज हो गई, उसने तो बस डिवोर्स का सोच ही लिया। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसे ही सोचना है कि अब कभी कभी कोई बात होती है, हमारे दोनों के विचार एक जगह से नहीं भी हो सकते हैं, तो उसमें किसी एक को समझना होगा और एक को थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा, बट अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो तुम बताओ कि अब तुम डिवोर्स करके रहोगे कहाँ पे, जाओगे कहाँ पर। तो बोले कि और कहाँ जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने मायके चली जाओ, मैं तुम क्या करोगे, मैं अपने ससुराल चला जाऊंगा, और ये रहा एक बच्चा जो हमारा, ये अपने ननिहाल चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, जो पत्नी के लिए मायका है वही हस्बैंड के लिए ससुराल है, और वही बच्चे के लिए ननिहाल है। तो अगर एक ही चीज को हम कोई मायका कहता है, कोई ससुराल कहता है और कोई ननिहाल कहता है, इसमें क्या डिस्प्यूट होने की कोई चीज है क्या, इसमें कोई भी गलत है क्या, सबका कहना सही है। एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं किंतु अलग अलग एंगल से, पत्नी की एंगल से अगर देखा जाएगा तो वही चीज उसका मायका है, पति की अपेक्षा से दृष्टि से देखा जाए तो वही चीज ससुराल है, और बच्चे की दृष्टि से देखा जाए तो वही चीज ननिहाल है। तो सभी का व्यूज सही है ना, सभी ने एक ही चीज को देखा किंतु अपने अपने एंगल से देखा, परंतु उनका एंगल जो है वो अपनी तरीके का नहीं है, जस्ट जिस चीज को देख रहे हैं वो उसके साथ वो चीज वो अप्लाई हो रही है, जो उन्होंने अपना डिसीजन लिया या जो उसके बारे में उनका ओपिनियन है या व्यू है वो उस पर चीज पर अप्लाई कर रहा है कि नहीं, उस ट्रुथ के साथ उसका संबंध है कि नहीं। तो अनेकांत का मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत चीज को स्वीकार कर दें, चाहे वो किसी भी एंगल से देखी गई हो, है ना। एंगल भी जो है व्यक्तिगत, ये सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। अनेकांत में जो ट्रुथ, जिस ट्रुथ की बात कही जाती है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी रियलिटी के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए, वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो प्योर सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव यानी उसका रियलिटी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल हो सकती है। और नहीं तो हर कोई व्यक्ति कह देता, कोई चोरी करता है तो कहता है चोरी करना भी सही है ना, जब व्यक्ति को और कोई उपाय ना मिले, कोई तरीका ना मिले तो और क्या कर सकता है, पेट भरने के लिए चोरी भी करना पड़ता है, क्राइम्स भी करने पड़ते हैं। तो क्राइम करने वाले अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे कि हम क्राइम कर रहे हैं तो हम क्या गलत काम कर रहे हैं। अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि एक बच्चे ने यहाँ मेरे ख्याल से विदेश में ही कि किसी होटल में गया और वहां से खाने का जो ब्रेड वगैरह जो उसको चाहिए था उसने लिया, उसका पैकेट और लेकर के भाग गया, तो उसको पकड़ लिया गया कि भाई तुमने चोरी की है, पैसा नहीं दिया है, बिना पैसे दिए। तो बोले कि मेरे पास पैसा था नहीं। तो बोले कि तुम किसी से अपने मदर पेरेंट्स से मांग लेते, कि हमारे पेरेंट्स के पास ही पैसा नहीं है उनके खाने के लिए, मेरी मदर जो है वो उनके फादर है नहीं, मदर के पास में कोई जॉब नहीं है और वो बीमार है, उसके पास खाना नहीं है, तो मुझे अब क्या तरीका हो सकता था। मैंने जॉब खोजने की कोशिश की, मुझे जॉब नहीं मिला, मैंने किसी से सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं की, मेरे और कोई सपोर्टिव है नहीं, मेरे फादर है नहीं, तो मदर को और मदर भी बीमार है और उस कंडीशन में उसको अगर बीमार है तो उसकी उसको कुछ खाने के लिए मुझे देना जरूरी है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे चोरी करता हूं तो उसमें मैंने कौन सा गलत काम किया है। तो उस जज ने निर्णय दिया कि इस बच्चे ने जो चोरी की है उसकी पेनल्टी
हम सबको 10-10 डॉलर दे करके करना है, चुकाना है, क्योंकि वास्तव में बच्चे का अपराध नहीं है, ये अपराध हम इस वर्तमान सोसाइटी का है जिसने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि बच्चों को भी आज खाने के लिए कुछ पैसा अगर नहीं है तो उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, और इस कंडीशन में बच्चा के पास में और क्या उपाय हो सकता था। तो ये हमारी समाज की, हमारी सोसाइटी की, हमारी एजुकेशन की ऐसी कमी है जिसके कारण से कुछ लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी ये दोष है, इसलिए बच्चे को दोषी नहीं ठहरा करके हम सब इसके दोषी हैं, इस अपराध के दोषी मूल कारण हमारा अपना समाज, हमारी अपनी व्यवस्थाएं हैं, और उन्होंने इस तरह का एक कहा। तो यही बात हमें जस्ट ही समझना है कि यहाँ तो चलो प्रसंग कुछ और है, पर कहने का मतलब है कि चोरी को भी कोई कह सकता है कि सही है, चोरी करना भी सही है, पर किसी भी कंडीशन में हम चोरी करना, डकैती करना, इसको सही नहीं कह सकते। हमारी व्यवस्था में क्या कमी है हम उसको भले सुधारें, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम करता है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पर। तो ये अनेकांत का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर किसी बात को कह दो कि हाँ ये किसी ना किसी एंगल से सही है, है ना। बच्चे की चूंकि व्यवस्था थी और इसलिए उसका चोरी करना सही है, ऐसा आप सिद्धांत स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा तो फिर कभी कोई कुछ भी रीजन बना लेगा, फिर इससे समाज में अराजकता, अनैतिकता को फैलने का खुला अवकाश मिल जाएगा, और वो कभी भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, न सामाजिक दृष्टि से कहा जा सकता है और धार्मिक दृष्टि से तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता। तो कहने का मतलब है कि मतांतर, यानी मत हमारे अलग अलग भले हो सकते हैं, किंतु अगर उनका संबंध सत्य के साथ है, ट्रुथ के साथ है, ट्रुथ के किसी अलग किसी एस्पेक्ट पर से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो उसको स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिगंबर परंपरा में न्यूडिटी पर बल दिया गया है, तो मैं इसको इस दृष्टि से देखती हूँ कि उनका अपरिग्रह इस सिद्धांत पर बड़ा एम्फेसिस है कि बने वहां तक हम सारा परिग्रह जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपरिग्रह पर, अहिंसा का पर वो भी विश्वास करते हैं पूरी तरह से, किंतु उनका एम्फेसिस अपरिग्रह पर जा रहा है। और इसी तरह से श्वेतांबर परंपरा है, श्वेतांबर परंपरा का अपरिग्रह के कंपेरिजन में अहिंसा पर ज्यादा बल है, तो वो एम्फेसिस का फर्क है। नियम तो पांचों दिगंबर साधु भी पालन करते हैं, पांचों नियम श्वेतांबर साधु भी पालन करते हैं, किंतु एम्फेसिस का बहुत फर्क है और परिग्रह की व्याख्या का फर्क है। श्वेतांबर परंपरा परिग्रह का मतलब मानती है कि आपके अंदर उस चीज के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, चीज का उपयोग आप भले करें किंतु उसकी उसके प्रति आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये मूल अपरिग्रह का मीनिंग है, और इसके साथ साथ में बाह्य वस्तु का भी जितना आप संयम कर सकते हो और पूरा भी त्याग कर सकते हो, तो वो बाह्य परिग्रह त्याग के अंतर्गत वो भी आता है। तो किसका किस चीज पर एम्फेसिस है, किसी का आंतरिक जो अपरिग्रह है उस पर एम्फेसिस है, किसी का बाह्य परिग्रह पर एम्फेसिस है। अपरिग्रह को के कंसेप्ट को दोनों ही आंतरिक और बाह्य रूप में दोनों ही मानते हैं, किंतु एम्फेसिस का फर्क पड़ जाता है। तो ये मतांतर का के पीछे भी सबका अपना अपना एंगल है, किंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही है, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों अपनी जगह सही है, इसलिए दोनों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतांतर यानी मतों के अंतर देखने से, विचारों के अंतर देखने से हमारे अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये इनको जैन कहें या इनको जैन कहें या ना कहें, ऐसा हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों ही पालन कर रहे हैं, दोनों ही अपने तरीके से उस सिद्धांत को मानते हैं, एम्फेसिस किसका किस पर है ये अलग बात है। भंगांतर, भंगांतर ड्यू टू वेरियस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और ऑप्शंस ऑफ वन थिंग। तो भंगांतर होता है, आप आगमों को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही बात को के अनेक विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स टू फॉलो वन एंड द सेम थिंग। तो उसमें भंगांतर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशंस बनाए गए हैं। सपोज हिंसा की बात आती है तो कहा जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई हिंसा होती है
तो उसको पाप कर्म का बंधन होता है। वही हिंसा अगर सपोज वीक अनाग के द्वारा हो जाए तो उनको पुण्य कर्म का बंधन होता है, पाप कर्म का नहीं होता है। अभी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वीतराग तो इतनी उच्च कोटि के साधु होते हैं, इतनी उच्च कोटि की आत्मा होती है, उनके द्वारा अगर हिंसा हो रही है तो वो तो ज्यादा बड़ा अपराध माना जाना चाहिए एक कॉमन व्यक्ति की तुलना में। किंतु वीतराग के द्वारा अगर किसी प्रकार की हिंसा हो जाए तो उसको उससे उनको पाप नहीं लगता है, और एक सामान्य व्यक्ति से अगर हिंसा हो जाए तो उसको पाप का बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के अंदर कषाय विद्यमान है, प्रमाद है। वो जब किसी तरह का उसके द्वारा हिंसा होती है तो वो सकषाय है और प्रमादी भी है, इसलिए उनके द्वारा की जाने वाली हिंसा या होने वाली, चाहे वो कर नहीं रहा है, चलते चलते गाड़ी से आप जा रहे हो एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान, और गाड़ी के नीचे कई तरह के जीव आते जाते हैं, उनकी हिंसा होती है, ठीक है ना। आपके अंदर कोई भाव नहीं है उनको मारने का, परंतु जा रहे हैं तो आप हिंसा हो रही है ना, वो हिंसा से आपको पाप कर्म लगेगा या पुण्य कर्म लगेगा? तो सिद्धांत ये है कि आप सामान्य व्यक्ति जिसमें अभी कषाय विद्यमान है, जो प्रमाद करता है, उस जीव के द्वारा जो हिंसा हो रही है, चाहे वो अनजाने में हो रही है, अनइंटेंशनल हो रही है, वो चाहता नहीं है इस तरह की हिंसा हो, परंतु उससे वो बच भी नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में की जाने वाली हिंसा से भी उसको पाप तो लगेगा ही, ठीक है। उस कर्म का बंध जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि आपके परिणाम हिंसक परिणाम नहीं है उसके अंदर, उस प्रकार की हिंसा को करते समय, या क्रूरता के भाव नहीं है आपके अंदर, आप अपनी ओर से कोशिश कर रहे, जागरूक रहे, किंतु गाड़ी को तो देख देख करके सड़क पर चला नहीं सकते हो ना आप, तो अपनी स्पीड से ही चलना पड़ेगा आपको, अपने तरीके से चलना पड़ेगा। गाड़ी में आप बैठे हो, आप उतर उतर के तो एक एक जीव को नहीं देख सकते हो, तो उस कंडीशन में आप विवश है कि आपको उस तरह से निकलना पड़ेगा। तो कर्म का बंधन भले वो शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक नहीं होगा, परंतु हाँ होगा तो पाप कर्म का ही बंध होगा, पुण्य कर्म का बंध नहीं हो सकता, ठीक है ना। किंतु अगर वीतराग चलता है तो वीतराग के चलने से कोई चींटी मर गई, सपोज कोई मकोड़ा मर गया, कोई माइक्रोब्स उनके पैर के नीचे आ गए, तो उस कंडीशन में उनके द्वारा जो हिंसा होती है उस हिंसा को से कोई उनको पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कषाय विद्यमान नहीं है, प्रमाद नहीं है, वो अप्रमत्त होकर के चलते हैं, हर जीव के प्रति जागरूक होकर के चलते हैं, हर जीव के छोटे से छोटे जीव के अस्तित्व का पूरा सम्मान करते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का प्रमाद नहीं है। किंतु अगर कोई जीव मर गया है तो उसका कारण ये होता है कि वो अचानक उनके पैरों के नीचे आ गया, अब उन्होंने पैर जैसे ही रखना शुरू किया उस अचानक नीचे आ गया और इसलिए उसकी हिंसा हो गई। तो कभी कभी उस जीव की ऐसी नियति होती है कि उस तीर्थंकर या वीतराग के पैरों से उसकी डेथ होनी है, तो वो उनके स्टेप के नीचे आ जाता है, तो अचानक दौड़ करके आ गया, कोई आंधी चली और कोई जीव अचानक आ गया, अब उसका क्या कर सकते हैं। तो तीर्थंकर अपनी ओर से बिल्कुल जागरूक है कि किसी भी प्राणी की मन से वचन से कर्म से उनको हिंसा नहीं करना है, परंतु उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए तो उनको पाप नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि वे हिंसा भी कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, कहाँ द्रव्य हिंसा को प्रमुखता दी गई है, कहाँ भाव हिंसा को प्रमुखता दी गई है। तो ये भंगांतर, इस तरह के विकल्प, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे आगमों में कई सिद्धांतों को लेकर के आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु उससे आपको संदेह नहीं करना कि ये क्या, जब वीतराग जैसे महापुरुष को, तीर्थंकरों को जब पाप नहीं लगता है तो हमें क्यों लगे, है ना। उनको, उन महापुरुषों को पाप नहीं लगता तो हमें क्यों लगेगा, तो हम भी अगर हिंसा करते तो हमें किस लिए पाप लगेगा। वो भी जैसे बिना इच्छा से, बिना कोई इंटेंशन के उनके द्वारा हिंसा हो रही है, वो पूरे जागरूक है उस कंडीशन में, वो हिंसा हो रही है, तो हम भी जागरूक है, हम भी बिना उसके हैं,
बट तीर्थंकर और आपकी जागरूकता में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर, ठीक है ना। आपकी और उनकी स्थिति में बहुत अंतर है, आपकी जो स्पिरिचुअल स्टेजेस हैं और उनके स्पिरिचुअल स्टेजेस में बहुत गैप है, बहुत डिफरेंस है। तो उस कंडीशन में उनको जो हिंसा हो सकती है, पाप पुण्य का बंध हो सकता है, वो सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। इसी तरह से नयांतर, नयांतर क्या होता है, एक मैंने जैसे अनेकांत के मतांतर के संदर्भ में कहा, उसी तरह से नयांतर, नया नए का मतलब होता है एंगल। आप किसी चीज को जब देखते हो तो किसी एक एंगल से देखते हो, सारे एंगल से कभी नहीं देख पाते हो, ठीक है ना। दूसरे समय में आप दूसरा एंगल यूज कर सकते हो, तीसरे समय में तीसरा एंगल से उसको देख सकते हो, परंतु एक समय में आप किसी एक एंगल से चीज को देखते हो। तो जब आप एक एंगल से देखते हो और जब दूसरे एंगल से देखते हो, तो दो तरह की बातें एक ही वस्तु के बारे में आपके सामने आती है। जैसे उदाहरण के लिए कि आत्मा नित्य है, और अगर आप किसी दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा आपको अनित्य भी नजर आएगी। अब ऐसा सोचना कि ये दो बातें कैसे हो सकती, आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, ये दो बातें कैसे संभव है। आत्मा या तो नित्य होगी या अनित्य होगी, क्योंकि ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, एक दूसरे के को कैंसिल करने वाली चीजें हैं। तो या तो पदार्थ नित्य होगा, स्थाई होगा या अस्थाई होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि भगवान महावीर ने दो नयों का विवेचन किया है। पहला है द्रव्यार्थिक नय और दूसरा है पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय का मतलब है कि मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है, किंतु उसकी जो पर्याय है, उसके जो रूप है, वो बदलते रहते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, किंतु आत्मा का जो मनुष्य रूप है वो तो नष्ट हो ही सकता है। वो कभी मनुष्य बन जाती है, कभी देव बन जाती है, कभी पशु बन जाती है, तो अलग अलग योनियों में जाएगा तो अलग अलग रूप धारण करेगी वो। तो पहला रूप नष्ट होगा तभी दूसरा रूप उसके अंदर प्रकट हो सकता है। तो ये रूप उसके बदलते रह सकते हैं, इस और इस रूप परिवर्तन को भी तो हम कुछ संज्ञा देंगे, उसको भी तो कुछ कहेंगे, तो वो उसको तो नित्य नहीं कह सकते। रूप तो बदलते ही रहते हैं, एक जैसे कभी रहते नहीं है, ठीक है ना। हम हमेशा मनुष्य नहीं है, अतीत में हम कहाँ थे हमें पता ही नहीं है, तो अच्छी जगह ही होंगे, तभी हम मान्य जैन कुलों में उत्पन्न हुए हैं, अच्छे कुलों में उत्पन्न हुए, धार्मिक रुचि है, धार्मिक वातावरण के अंदर है, तो निश्चित रूप से हम कहीं से अच्छी जगह से ही आए हैं। तो कहने का मतलब है, किंतु जरूरी नहीं कि हम मनुष्य हो, हम देव भी हो सकते है ना, वहां से आ सकते हैं। तो ये नयांतर, नयांतर का मतलब ये है कि दो अलग अलग एंगल से जब हम किसी एक चीज को देखते हैं तो हमारे सामने दो तरह के स्वरूप सामने आते हैं, और उनके कारण से हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो हमें ये समझना है कि देखने का एक ही तरीका नहीं है, अलग तरीके भी हैं। उस दृष्टि से देखोगे, जब आप द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो आत्मा शाश्वत है, किंतु जब पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा अशाश्वत भी है। भगवान ने उसको शाश्वत नहीं कहा पर्याय दृष्टि से, उसको अशाश्वत अनित्य ही कहा है, इम्परमानेंट ही कहा है। तो इस बात को हमें समझना है ना। तो ये नयांतर की बात है। नेक्स्ट है कि प्रमाणांतर, नियमांतर। नियमांतर का मतलब क्या है कि कभी कभी ये होता है कि भाई साधु जब बन गए हो और आपने जब पूर्ण चारित्र ले लिया है, सभी प्रकार के सावध्य योगों का आपने त्याग कर दिया है, फिर ये पांच महाव्रत, फिर उसके अंतर्गत उत्तर जो है नियम, उत्तर गुण जो होते हैं, जो उत्तर नियम होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं, तो उन सभी नियमों की आवश्यकता क्या है। जब हमने ये नियम ले लिया एक बार में कि हम सभी प्रकार के पापकारी कार्यों को नहीं करेंगे, सांसारिक प्रवृत्तियों को नहीं करेंगे, उसके बाद इन सब नियमों की हमें जरूरत क्या है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हम जब किसी चीज का सावध्य योगों का जब त्याग करते हैं, चाहे 48 मिनट के लिए करें, चाहे जीवन भर के लिए करें, वो जो नियम किए जाते हैं वो हमारे जो पापकारी चीजों है उनका त्याग किया है। किंतु जब आप त्याग करने के बाद आप आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपना विकास कैसे करें, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कि आपका इतने घंटे आपको स्वाध्याय करना है, इतने घंटे ध्यान करना है, इतने घंटे जप करना है, इतने घंटे स्टडी करना है, इतने घंटे आपको ये काम करना है। तो इस तरह के कई तरह के नियम जो बनाए जाते हैं, उसका ये उद्देश्य है कि आपका आध्यात्मिक विकास भी साथ में हो। जस्ट आपने चीजें छोड़ करके
आप करेंगे क्या? तो कुछ आंतरिक विकास के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। लास्ट है प्रमाणांतर। प्रमाणांतर का मतलब होता है कि कभी कभी हम आंखों से जो चीजें देख रहे हैं और आगमों को जब पढ़ते हैं तो उन दोनों में कंट्राडिक्शन दिखाई देता है। वर्तमान विज्ञान की जो बातें हैं वो जैन कॉस्मोलॉजी के साथ फिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक जो चीजें प्रमाण सहित आपको दिखा रहे हैं कि ये पृथ्वी जिस पर हम हैं ये कोई जम्बूद्वीप जैसी कोई भूमि नहीं है, ये एक प्लेनेट है, अब ये बात हमारी मेज खाती नहीं है। जैन आगमों में कहा गया है कि हम जहाँ हैं ये जम्बूद्वीप है और ये एक पृथ्वी के ऊपर है, ये एक प्रकार की लैंड है, न कि प्लेनेट है, ठीक है ना। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एक प्लेनेट है, अब ये बातें मेच नहीं खा रही है, तो इससे संदेह पैदा हो जाता है। तो अब भगवान महावीर का ये कहना है कि कुछ चीजें जो सेंसरी लेवल यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष से इंद्रियों के द्वारा जो देखी जानी जा रही है उसमें और आगमों में कही हुई बातों में कभी कभी अंतर दिखाई दे सकता है, किंतु हमें ये समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियों की तो सीमा हो सकती है किंतु अतिंद्रिय ज्ञानियों के ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है ना। वो जिस तरह से देखते हैं सत्य को उस तरह से कॉमन मैन शायद नहीं देख सकता है, वो एक वैज्ञानिक अपने उपकरणों से संभवतः हो सकता है ना देख पाए। इसलिए हमेशा हमें आगमवाणी में विश्वास होना चाहिए। हो सकता है विज्ञान जो कह रहा वो अपनी जगह सत्य भले हो, परंतु फिर भी अगर वो मेच नहीं खाती है तो हमको फिर भी आगमवाणी पर विश्वास होना चाहिए। उनकी बात को हम भले गलत ना कहें, हम उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये आपसे मैंने बताया कि ये 13 कारणों से कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों के अंदर, विद्वानों के अंदर, इवन साधु साध्वियों के अंदर आगम को पढ़ते हुए कुछ कुछ बातों को लेकर के शंका पैदा हो सकती है, किंतु उनको शंका का जरूर निवारण करना चाहिए, उसको एज इट इज नहीं रखना चाहिए। इससे उनमें मिथ्यात्व का प्रवेश वापस हो सकता है, सम्यक तो उनका समाप्त हो सकता है। और हम जानते हैं कि जब मिथ्यात्व आता है तो जीव का आध्यात्मिक विकास जो है वो रुक जाता है, उसे सम्यक की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मिथ्यात्व से हम कैसे बचे, इसलिए जब कभी हमारे मन में कोई चीज को सुनते समय, आगमों को सुनते समय कोई शंका पैदा हो जाए तो उसका निवारण जरूर कर लेना चाहिए, उसको बनाए नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, हमारी जो आस्था है वो बनी रहे और हम आगे से आगे बढ़ते रहें। तो इन्हीं विचारों के साथ आज ये प्रकरण हम पूर्ण कर रहे हैं कि हमारे अंदर शंका आकांक्षा पैदा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका हमें किस तरह से निवारण करना चाहिए।